हेलो एवरीवन आज हम कह रहे हैं वेस्टर्न फिलोसफी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलासफ़ीज़ हैं ये बार बार पूछी जाती हैं बी एड एम एड सी टेट और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितने भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उसमें पूछी जाती हैं तो इसलिए हम इसको डिटेल में करेंगे आज हम फर्स्ट थ्री जो है आइडलिज्म नेचुरलिज्म प्रैगमेटिज्म इसको कवर करेंगे क्योंकि हम इसको तीनों को एक साथ कर सकते हैं तो कम टाइम में इसको अच्छे से डिटेल में इसको समझ सकते हैं तो आज यही कवर करेंगे जो लास्ट एक्सटेंशलिज़म वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे बाकी इसके अलावा और भी वेस्टर्न है जैसे रियलिज्म और ठीक है वो इतनी ज्यादा पूछी नहीं जाती उसको भी हम किसी नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे आज जो मोस्ट थ्री सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाली थ्योरीज है आइडियलिज्म नेचुरलिज्म रेगम उसको कवर करेंगे इन तीनों फिलोसफी को डिफ्रेंसिस के वे में समझाया है क्योंकि हमें इससे क्लैरिटी मिलेगी कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कौन सी फिलोसफी में कौन सा पॉइंट था इस तरीके से करने से आपको बहुत ज्यादा क्लियर समझ में आएगा और आप तीनों को एक समय में याद रख सकते हैं और आपको ये लंबे समय तक याद रहेंगी तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं फादर कौन कौन से हैं तीनों फिलोसफी के सबसे पहले फादर ऑफ जो आइडलिज्म है वो सोक्रिटीज को माना जाता है और प्लीटो जो प्लीटो है वो सोक्रिटीज के ही स्टूडेंट रहे हैं ठीक है और एरिस्टोटल ये तीनों का बहुत बड़ा योगदान है प्लीटो सोक्रेटिस और एरिस्टोटल आइडियलिजम के जो एक्सपोनेंट्स माने जाते हैं इसके अलावा इसके और सारे भी एक्सपोनेंट्स हैं एक्सपोनेंट मतलब यहाँ पे कि समर्थन जो इस फिलोसफी को करते हैं इसके फेवर में थे तो इंडियंस भी कुछ इसके फेवर में थे वो सारे हम एंड ऑफ दिस वीडियो देखेंगे क्योंकि वो कई बार ही बहुत रेयर जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं बाकी जो मेन इसके तीन ही हैं मतलब जो फाउंडर इसके माने जाते हैं इसमें सबसे पहले जो है जो सोक्रेटिस हैं फिर जो है प्लीटो को वो जो जो फादर माना जाता है 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 मतलब मेन नाम आता है, वो का आता का ये उन्हीं के ही स्टूडेंट रहे हैं और इसके अलावा जो एरिस्टोटल है वो जो है वो पीटो के स्टूडेंट रहे हैं ठीक है तो आपस आप में एक दूसरे के स्टूडेंट थे तीनों तो ये इनको फाउंडर माना जाता है फिर जो फादर ऑफ नेचुरलिज्म है वो है हमारे पास अमीर जोला और ये जो हैं फ्रांस के राइटर थे और जर्नलिस्ट थे ये तीनों जो थे वो ग्रीक के थे फलासफर्स और हमारे पास जो प्रेक्मिटिज़म है इसके जो हमारे पास फादर हैं वो है चार्ली सेंडर पियर्स ठीक है और ये भी एक अमेरिकन थे फलासफ़र थे साइंटिस्ट थे और मैथेमेटिशंस भी थे ठीक? तो मेरे पास मीनिंग क्या है आइडलिज्म नेचुरलिज्म और प्रैगमेटिज्म का आइडलिज्म जो वर्ड है वो वर्ड आइडिया से ड्राइव हुआ है ठीक है तो जो जितने भी बिलीवर्स हैं आइडलिज्म के वो मानते हैं कि आइडियाज़ और थॉट्स जो हमारे माइंड के हैं वही रियलिटी है वो रियलिटी को क्रिएट करते हैं सभी उसमें समाया हुआ है मीन्स कहते हैं ना कि हर चीज़ जो है हमारे थाट्स से पहले हम सोचते हैं फिर धीरे धीरे वो बिलीव बनता है धीरे धीरे हम उसको अपनी रियलिटी में लेके आते हैं ठीक है तो ये आइडलिज्म का बिलीव है कि आइडिया ही सब कुछ है और हम मटीरियल वर्ड को क्रिएट करते हैं वो कुछ भी है और मॉरल इसलिए वो इन्होंने एम्फिसाइज किया कि जो मॉरल एथिकल और जो हमारी स्पिरिचुअल वैल्यूज है वो हमारे माइंड में जितनी ज्यादा होंगी उतने हमारे आइडियाज जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे अच्छे होंगे इसके अलावा एनेचुरिज्म जो है वो बिल्कुल ही अपोजिट है आइडलिज्म के वो बिल्कुल अपोज करता है इस बात को वो कहता है कि नेचर ही जो प्रकृति है जो मटीरियलिस्टिक वर्ड है वही सब कुछ है और जो मानव है उसकी सोच और उसका माइंड उसके अधीन है ठीक है मीन्स कि वो कहते हैं कि यहाँ पे वो कहते हैं कि खुद क्रिएट करता है इंसान लेकिन वो कहते हैं कि नहीं पहले से एक क्रिएशन है मैन जो है उस पर आधारित है उसके अकॉर्डिंग उसके थॉट्स क्रिएट होते हैं ठीक है तो ये इनमें डिफरेंस है और ये कहते हैं कि जो नेचर है वही जो है रियलिटी है वही सब कुछ है और इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है ओके okay. और इसके अलावा जो प्रेगमिटिज़म है और जो वर्ड है वो नेचर से ही आया है नेचुरलिज़्म जो वर्ड है और जो प्रेगमिटिज़म है ये वर्ड आया है प्रैग्मा प्रैग्मा का मतलब होता है एक्टिविटी करना ठीक है यूटिलाइज़ करना किसी चीज़ को या किसी चीज़ को एक्टिविटी में लेके आना तो ये जो है प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करता है लर्निंग बाई डूइंग को कि जो भी चीज़ें हैं लाइफ में जब हम उसको करके सीखते हैं ठीक है तो वो चीज़ें सॉल्व होती हैं तो जो प्रैग्मेटिज्म है वो कही कहीं ना कहीं बिलीव करता है टू डू द थिंग्स ठीक है जितना हम एक्सपीरियंस में लाएंगे उतना हम चीज़ों को गेन करते हैं अब आप मीनिंग के साथ तीनों की डेफिनेशन भी ऐड कर सकते हैं एक कि एक किसी भी फ़िलासफ़र की डेफिनेशन को आप ऐड कर सकते हैं अगर आप इसको थ्योरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि अगर आप बी एड एम एड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसा करने से एक एक डेफिनेशन लिखने से किसी भी फलासफ़र की आपका एग्ज़ाम थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव लगता है आपको मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं अच्छे मार्क्स वो देता है जहाँ पर आपको सोलह में से बारह मिलने होते हैं वो आपको चौदह भी दे सकता है ठीक है इसलिए ये बेनिफिशियल होती है लिखना लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर दीजिए आपके काम की नहीं है। तो सबसे पहले according to हमारे पास की जो जो है 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 वो एक कि करती मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड फोर्स ठीक है सिंपल सी डेफिनेशन है इसके बाद नेचुरलिज्म में थॉमस कहते हैं कि नेचुरलिज्म जो है वो आइडियलिज्म को अपोज करती है और सबोर्डिनेंट है माइंड टू द मैटर ठीक है अधीन है जो मन है वो मैटर के अधीन है एंड होल दैट अल्टीमेट रियालिटी इज मटीरियल नॉट स्पिरिचुअल ठीक है जो अल्टीमेट रियाली रियालिटी है वो मटीरियल के अंदर समाई हुई है ना कि स्परिचुअलिटी के अंदर समाई हुई है तो सिंपल सिंपल सी ऐसे आप और भी सिंपल जो है गूगल से या आपकी कोई पर्टिकुलर बुक है उससे उठा के लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जे एस रोस वो कहते हैं जो प्रैगमेटिज्म है वो इसेंशली है ए होमिनिस्टिक अप्रोच के लिए ठीक है जो मेंटेन करती है क्रिएट हीज़ ओन वैल्यू इन कोर्स ऑफ द एक्टिविटी ठीक है जो हमनेस्टिक अप्रोच है वो एक्टिविटी की बात करती है जब बच्चा खुद से करके सीखता है अपनी वैल्यूज़ को राइज करता है ठीक है तो इससे क्या है उनकी खुद की वैल्यूज़ जो हैं वो एक्टिविटी के थ्रू जो है वो इनक्रीज़ होती है नेक्स्ट है अब हमारे पास प्रिंसिपल कौन कौन से हैं क्योंकि आगे की जो सारी थ्योरी है वो इन्हीं सिद्धांतों पे आधारित है मींस इनके जो मुख्य पॉइंट्स क्या हैं उसी पर ही तो पूरी जो आगे की थ्योरी है वो डिपेंडेंट होगी जैसे कि इसमें जो बात की जाती है थ्योरी के अंदर कि फिलोसफी के अंदर कि अगर आइडलिज्म को आप स्कूल में अप्लाई कर देते हैं मीन्स आइडलिज्म फिलोसफी के अकॉर्डिंग अगर स्कूल होगा तो कैसा होगा टीचिंग मैथड होगा तो कैसा होगा ठीक है जो बुक्सिस होंगी या करिकुलम होगा वो कैसा होगा अगर नेचुरल फिलासफ़ी को आप नेचुरलिज्म को अप्लाई करते हो तो टीचिंग वे ऑफ टीचिंग क्या होगा प्रेग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग क्या होगा तो ये चीज़ें हमें आगे जो है डिस्कस करनी है तो हम पांच ऐसी बातें करेंगे जिस पे सारी थ्योरी जो है आधारित होगी तो इसमें क्या है मैंने चीज़ों को थोड़ा कीवर्ड के वे में लिखा है आपके एग्जाम में एक, एक ही थ्योरी पूछी जाएगी तीनों में से तो आप इसको थोड़ा इलेबरेट करके डिफाइन करके लिखेंगे ताकि आप पेजेस जो हैं अच्छे से भर पाएं तो इसमें जो स्पिरिट और माइंड है वो एक कंस्टिट्यूट रियलिटी है ठीक है यहाँ पे हमने पहले ही समझा है कि इस माइंड को स्पिरिट को सोल को आगे रखा गया है यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड को कहा है कि वही रियल real रियलिटी है और यहाँ पे जो मैन एक्शन परफॉर्म करता है वो रियलिटी को क्रिएट करता है प्रैक्टिकल वर्क को रियलिटी माना है फिर यहाँ पे कहते हैं कि जो मैन है वो स्पिरिचुअल पर्सन है और उसकी जो थॉट्स आइडियाज़ हैं वो मटेरियल वर्ल्ड को बनाते हैं और ये हमने पहले ही समझा है कि ये कहते हैं कि माइंड जो है वो अधीन है मैटर्स के सबॉर्डिनेट टाइप्स के और डिपेंड करता है माइंड जो है मैटर्स पे डिपेंडेंट है और यहाँ पे जो है हमारे एक्शंस हमारे एक्सपीरियंस वही रियल है और आइडियाज जो है वो टूल है जो कि इन एक्सपीरियंस और एक्शंस को करने में काम आते हैं आइडलिज्म कहते हैं कि सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो गॉड है और नेचुरजम कहता है कि सोर्स ऑफ जो नॉलेज है वो नेचर है साइंस है साइंस हमें नॉलेज देती है और यहाँ पे कहते है कि जितने हैं कि जितनी हम एक्टिविटी एक्सपीरियंस करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो मैन है वही सोर्स ऑफ खुद ही हिमसेल्फ ही सोर्स ऑफ नॉलेज है यहाँ पे कहते हैं कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो हैं वो एब्सल्यूट है और अनचेंजेबल है मीन्स जो फिक्स है हमारे पास कुछ ऐसी शुद्ध वैल्यूज़ है जिनको आप चेंज नहीं कर सकते लेकिन ये कहते हैं कि मैन अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैसे कोई स्पिरिचुअल वैल्यूज़ नहीं है कोई एब्सल्यूट वैल्यूज़ नहीं है अपनी अपनी नीड जिसकी होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी वैल्यूज उसको क्रिएट कर लेते हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास कि देर इज नो एब्सल्यूट वैल्यू कोई वैल्यू नहीं होती चेंजेबल होती है विद द एक्सपीरियंस जो है इंसान अपनी वैल्यूज को बनाते रहते हैं फिर हमारे पास जो आइडियलिज्म है वो बिलीव करता है लॉ ऑफ यूनिवर्स पे कि जो एजुकेशन है वो हमारी यूनिवर्स का जो ट्रुथ है ठीक है हमें बहुत सारे यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं ना उसके ऊपर हमारी एजुकेशन बेस्ड है लेकिन जो नेचर लॉ ऑफ नेचर पे डिपेंडेड है जो नेचुरलिज्म वो कहता है कि यूनिवर्स जो है नेचर के लॉ पे डिपेंड करती है मीन्स जो नेचर डिसाइड करती है उसी के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स वर्क करता है फिर हमारे पास जो प्रेगमेटिज्म है वो बात करता है लॉ ऑफ फ्लैक्सीबिलिटी की कि कुछ भी परमानेंट नहीं है जैसे आप चीज़ों को करोगे एक्टिविटी परफॉर्म करोगे वैसे ही सब कुछ चेंज होता जाता है ठीक है ना यूनिवर्स पे बिलीव करता है ना लॉ ऑफ़ नेचर पे बिलीव करता है ठीक है लॉ ऑफ मैन पे बिलीव करता है मीन्स एक्टिविटी पर बिलीव करता है अब आगे हम देखेंगे कि इन तीनों फिलोसफी में से किसी भी फिलोसफी को अगर स्कूल में अप्लाई किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग एम ऑफ एजुकेशन क्या होगा करिकुलम क्या होगा मेथड ऑफ टीचिंग क्या होगा मींस अगर आइडलिज्म के अकॉर्डिंग हम स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारा एम ऑफ एजुकेशन क्या होगा ठीक है तो सबसे पहले कि सेल्फ रियलाइजेशन बच्चों को एम्फिसाइज किया जाएगा कि वो खुद को रियलाइज़ करें कि हु दे आर मीन्स हु आई एम कि मैं कौन हूँ अपनी आपको जगाएं अपनी शक्तियों को महसूस करें ठीक है इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब है खुद को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करना कि मैं कौन हूँ अपने एटीट्यूड कह सकते हैं अपना व्यवहार कह सकते हैं उसको एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स को ठीक है यहाँ पे है सेल्फ एफिशिएंसी की बात करते हैं कि एम ऑफ एजुकेशन में पैगमेटिज्म के अकॉर्डिंग कि कितनी है मेरे अंदर कैपेसिटी है सेल्फ एफिशिएंसी है उसको निखारा जाए अपनी जो पोटेंशियल होती है उस वो एजुकेशन का एम रहेगा कि उसको बढ़ाना इम्प्रूव करना फिर हमारे पास जो आइडलिज़म है वो बात करते हैं कि बच्चे को फुली हमें क्या बनाना है स्पिरिचुअल बनाना है चाहे उसका इंटरेस्ट हो नहीं हो लेकिन नेचुरिज्म इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं कि सबका जो अपना अपना इंटरेस्ट है उसकी जो इंडिविजुअल उसकी जो ग्रोथ अपने आप अंदर से उसके आती है कि उसको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है जिसके बारे में आजकल हम बात करते हैं कि किसी पे थोपा नहीं जाना चाहिए उसकी इंडिविजुअलिटी को निखारो तो उसकी बात नेचुरलिज़्म ने करी फिर प्रेगमेटिज़म बात करता है कि जो कंटिन्यूस सोशल नीड है ऑफ इंडिविजुअल उसके अकॉर्डिंग जो एम ऑफ एजुकेशन है वो चेंज होता रहता है ठीक है इसमें उसने कोई फिक्स बात नहीं करी है कि आपको स्पिरिचुअली बनाना है या आप उसकी उसके पर्टिकुलर जो उसका एम है इंडिविजुअलिटी उसको निखारो वो कहता है कि जैसे सोशल नीड हो ठीक है सोशल सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है एम ऑफ एजुकेशन को चेंज कर दो फिर जो है हमारे पास आइडलिज्म बात करते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ जो कल्चर है हेरिटेज है उसका प्रमोशन हो ठीक है हमारी जो एजुकेशन है वो हमारे कल्चर को हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाए नेचुरलिज्म कहता है नेशनल जो गेम्स है ठीक है जो हमारी जातियां हैं उनको इम्प्रूवमेंट की बात करता है कि उन, उनको बढ़ाना चाहिए ठीक है कल्चर की बात करता है ये जो हमारी जाति है उनको बढ़ाने की बात करता है ये जो है पर्सनल जो सोशल हमारी प्रॉब्लम्स है इविल्स है ठीक है उसकी बात करता है कि उसको सुधारा जाए एडलिजम कहती है कि एक पर्सन को एक होली लाइफ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए ताकि उसकी जो मॉरल वैल्यू है उसकी अस्थेटिक वैल्यूज़ हैं ठीक है ठीके? इसमें वो तीन बातें करता है कि ट्रुथ गुडनेस और ब्यूटी ठीक है इसको निखारा जाए ब्यूटी मतलब कॉन्शियसनेस यहाँ पे है और ट्रुथ मतलब सच्चाई और उसकी जो गुड वैल्यूज़ है। उसको हम जितना निखारेंगे उसकी लाइफ जो है उतनी अच्छी बनेगी यहाँ पे वो कहते हैं कि एक पर्सन की जो लाइफ है वो कैसी होनी चाहिए एक हार्मनी के अंदर होनी चाहिए मतलब हैप्पी लाइफ होनी चाहिए सेल्फ रेसिस्टेंट मतलब खुद पे कंट्रोल होना चाहिए एक मेच्योर चाइल्ड को हम प्रिपेयर करें ये एजुकेशन का एम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रेगमेटिज्म क्या था कि, है कि कंटिन्यूस री ऑफ एक्सपीरियंस ठीक है एंड कंटीन्यूस ग्रोथ ऑफ एन्वायरमेंट ठीक है उससे जो है बच्चा अपनी खुद की जो लाइफ को है वो बेटर कर सकता है हैप्पी कर सकता है अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभवों के थ्रू अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखता है ठीक है कुछ भी ना है हमें तीनों में मेन पर्पस पता चल गया है कभी आप कहीं भी कोई पॉइंट भूल जाते हैं आपको पता है कि उस पॉइंट में आपको क्या लिखना है कि यहाँ पे तो हमेशा एक्सपीरियंस की बात करी जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग लाइफ कैसी होगी तो यहाँ पे हमने कर कवर किए हैं फाइव पॉइंट्स कि लाइफ कैसी होगी एम के अकॉर्डिंग और एम के अकॉर्डिंग हमारे पास किस चीज़ को ट्रांसमिशन की करने की बात की गई है पोटेंशियल की बात की गई है और सेल्फ रियलाइजेशन एक्सप्रेशन और एफिशेंसी की बात करी है नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास की करिकुलम कैसा होगा अगर आइडलिज्म फिलोसफी हमारे स्कूल के अंदर है तो उसके अकॉर्डिंग करिकुलम के अंदर क्या क्या होगा तो आइडलीजम कहती है कि जो करिकुलम है उसमें हमारे मेंटल हर टाइप की मेंटल एक्सपीरियंस बच्चे के पास होना चाहिए उसके हेल्दी लाइफ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसलिए जो एक सब्जेक्ट एक करिकुलम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए जैसे साइंस है मैथ है लिटरेचर है स्परिचुअल रिलीजियस बुक्स हैं गेम है आर्ट्स है ठीक है, है और हमारे पास म्यूजिक है तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं होने चाहिए फिर जो नेचुरलिज़्म है वो बात करता है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ठीक है ये इंडिविजुअलिटी पे बहुत फोकस कर करा है इसने नेचुरलिज्म ने कि हर बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अपने सब्जेक्ट खुद चूज करे ठीक है तो इनमें से कुछ उसने सब्जेक्ट हमें सजेस्ट किए हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री जोलॉजी और बॉटनी और हिस्ट्री सोशल स्टडीज़ तो नो प्लेस फॉर इसने रिलीजियस और मॉरल एजुकेशन को कम्प्लीटली डिनॉय किया कि उसका कोई प्लेस नहीं है उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल ही अपोज़िट इसने बात करी आइडलिज़म के तो इसलिए उसको बिल्कुल ही इसने बात नहीं करी मॉरल वैल्यूज़ की तो इनमें से वो कोई भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकता है फिर हमारे पास प्रेगमेटिज़म है उसके अकॉर्डिंग जो करिकुलम है वो फ्लैक्सीबल होना चाहिए और इन तीन बातों पर बेस करना चाहिए मीन्स आप करिकुलम को बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो और करिकुलम में ये ती तीन बातें होनी चाहिए सबसे पहले जैसे यूटिलिटी प्रिंसिपल की बात की गई है कि जो यूजेबल हो वो सब्जेक्ट्स जो हैं हम उसको एक्सपीरियंस में ला सके प्रैक्टिकल कर सके जैसे होम साइंस है एग्रीकल्चर है फिजिकल ट्रेनिंग है हिस्ट्री है मैथ्स है तो ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिर हमारे पास बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो जैसे कि अगर उसको राइटिंग में रीडिंग में नेचुरल साइंस में इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो फिर इंटीग्रेशन प्रिंसिपल हो इंटीग्रेशन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है कि इसके अंदर क्या है कि कोई भी फर्स्ट सब्जेक्ट है वो सेकंड सब्जेक्ट के साथ लिंक हो जैसे कि बी का सिलेबस है ये बहुत अच्छा है कि इसमें आपको

जो एक्सपोनेंट्स हैं मतलब जो इनके समर्थक हैं अलग अलग समर्थकों के द्वारा ये मेथड्स दिए गए हैं आगे जो इनके समर्थक आए उन्होंने ये सजेशन दिए थे मेथड ऑफ टीचिंग के तो आइडलिजम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आंसर मेथड है डिस्कशन मेथड है इंडक्टिव डिटेक्टिव मेथड है इंस्ट्रक्शन मेथड है प्लेवे मेथड है और इमिटेशन प्रैक्टिस मेथड का या नकल करके सीखना तो ये मेथड्स को प्रेफरेंस दी गई है कि ये मेथड जो है स्कूल में पढ़ाए जाने चाहिए इन मेथड के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए फिर नेचुरलिज्म बात करता है उसने स्ट्रेस दिया प्ले वे मैथड हो गया मुंटेस्ट्री मैथड हो गया किंडर गार्डन जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इनमें क्या होता है इन दोनों मैथड्स के अंदर कि टीचर जो है बच्चे को कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल करके सिखाती है ठीक है या प्ले वे मैथड कह सकते हैं और आ, एक्सपेरिमेंटल मैथड ऑब्जर्वेशन मैथड और डाल्टन मैथड ठीक है इन मैथड्स के थ्रू जो है यूज़ किए जा सकते हैं नेचुरलिज्म के अंदर फिर हमारे पास प्रेगमेटिज्म इसके थ्रू है कि जो लर्निंग बाय डूइंग मेथड के ऊपर एम्फेसाइज़ किया गया और ये भी अलग अलग फलॉसफर्स के द्वारा दिए गए मेथड्स हैं रियल लाइफ सिचुएशन जो है वो बच्चे को दी जानी चाहिए इंटीग्रेशन मेथड जो है जैसे पहले ही हमने इसको डिस्कस करा था प्रोजेक्ट मेथड हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया तो इस तरह के मैथड्स हम यूज़ कर सकते हमारे पास की डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए जो बच्चा है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए तो आइडलिज्म कहता है कि रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए इतना फ्रीडम बच्चे को नहीं देने चाहिए और ये इनर डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं कि खुद से बच्चा जो है अनुशासित रहना सीखे और उसके अंदर वैल्यूज़ को कल्टीवेट करना चाहिए ताकि जो मी, जो हमारी मॉरल और रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होती हैं ठीक है उसको वो फॉलो करे वो जो आदर्श हैं उसको वो फॉलो करे और नेचुरलिज्म कहता है कि कोई भी फ्रीडम लगाने की ज़रूरत नहीं है सॉरी कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को फ्री छोड़ दो वो अपने आप ठोकर खा के सीख जाएगा ठीक है मींस कोई एक्सटर्नल डिसिप्लिन मत लगाओ वो नेचुरल बेस है जो जब परिणाम उसको मिलेगा चीज़ों का तो उससे वो चीज़ों को सीखेगा और डिसिप्लिन मेनटेन करेगा फिर अब प्रेगमेटिज़म कहता है कि यहाँ पे कि बच्चे को सिखाना चाहिए सोशल डिसिप्लिन सोशल डिसिप्लिन की बात करी है इसने कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरों के साथ शेयर करे मन लोगों की रिस्पेक्ट करे ह्यूमिनिटी उसके अंदर आए और फिर वो बात करता है कि सेल्फ डिसिप्लिन की भी बात की गई है कि स्कूल शुड प्रोवाइड एक्सपीरियंसिस ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस या एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा डिसिप्लिन करना सीखे सेल्फ डिसिप्लिन पर बात की है फिर है कि टीच डिसिप्लिन थ्रू द कॉपरेटिव एक्टिविटी वही बात है कि ऐसी एक्टिविटीज़ हो जिससे बच्चा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखे या खुद डिसिप्लिन में रहना सीखे अभी रोल ऑफ टीचर क्या है आइडलिज़म के अकॉर्डिंग जो टीचर का रोल है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है मींस बहुत इंपॉर्टेंट है और टीचर जो एक स्पिरिचुअल गाइड है मींस अगर टीचर नहीं हो क्लासरूम में तो आप स्कूल की कल्पना नहीं कर सकते ये आप इसको फर्स्ट डेफिनेशन में एड ऑन कर सकते हैं और टीचर एक स्पिरिचुअल गाइड है और टीचर को एक गुरु और आचार्य की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए नेचुरलिज्म कहता है कि जो टीचर है वो एक फैसिलिटेटर है ठीक है मतलब वही कि बच्चे को एक सेकेंडरी है टीचर यहाँ पे बच्चा जो है वो मुख्य है वो खुद चीज़ों को करे बट टीचर जो है बस उसको गाइडेंस देती है चीज़ों को खुद नहीं करेगी एक्टिविटी को एक्टिविटी बच्चे ही करेंगे और टीचर जो है एक ऑब्जर्वर की तरह होंगी और बीच बीच में जो है बच्चे को गाइड करती रहेगी और टीचर जो है प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द सुटेबल इन्वायरमेंट ठीक है एक अच्छी इन्वायरमेंट के लिए उसको प्रिपेयर करेगी फिर प्रेगमेटिजन कहता है कि टीचर जो है वो एक्टिव ऑब्जर्वर है यहाँ पे और वो हेल्प करेगी यही मतलब वही यहाँ पे एक फैसिलिटेटिंग की बात की गई है डिसीजन लेने में बच्चे की हेल्प करेगी और उसको बिहेव करना सिखाएगी कि कैसे प्यार से रहना है लव और सेम्पति मतलब बच्चे के अंदर कैसे क्रिएट की जाए तो ये रोल ऑफ टीचर रहेगा यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास कि स्कूल कैसे होने चाहिए अकॉर्डिंग टू आइडिलिज्म नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म तो स्कूल जो है शुड बी लाइक अ टेम्पल अकॉर्डिंग टू आइडिलिज्म जो हमारा स्कूल है सॉरी स्कूल जो है वो एक टेंपल की तरह होना चाहिए ठीक है जिसमें हम स्परिचुअल वैल्यूज को सीखते हैं अटेंड करते हैं और स्कूल जो है वो एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पर बच्चा जॉय फील करें ठीक है ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जानी चाहिए ताकि बच्चा वहाँ पे जॉय फील कर सके आनंद ले सके और जो स्कूल है अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म वो एक लैप ऑफ नेचर होना चाहिए मतलब जैसे कि प्रकृति की, की गोद के अंदर मतलब माँ की गोद के अंदर होता है ऐसे वो एक मतलब नेचर के अंदर होना चाहिए स्कूल वो सिटीज से बाहर होनी चाहिए और ये चाइल्ड सेंटर के ऊपर इन्होंने शुरू से ही हमने देखा है कि बहुत सारे पॉइंट्स नेचुरलिज्म में आए हैं चाइल्ड सेंटर के ऊपर फोकस किया है इसके अकॉर्डिंग टू प्रेगमेटिज्म कैसे होनी चाहिए इनके अंदर सबसे पहले तो लैब्स होनी चाहिए जिसके अंदर बच्चा जो है वर्क कर सके एक्सपीरियंस कर सके चीजों को डिस्कवर कर सके लर्निंग बाई डूइंग कर सके तो लैब्स बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया फिर क्या है कि स्कूल इज अ मेनि सोसाइटी ठीक है मतलब एक स्मॉल सोसाइटी की तरह होनी चाहिए जिसमें बच्चा अपनी हैप्पीनेस अपनी सोरो अपने एक्सपीरियंस को एक दूसरे से शेयर कर सके ठीक है सोसाइटी में होता है ना नाच मतलब होता है कि स्मॉल छोटी एक स्मॉल सोसाइटी जहां पे आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस एक कर सकते हो शेयर कर सकते हो तो स्कूल में बच्चों को ये चांस मिलना चाहिए ठीक है अब हमारे पास कुछ एक्सपोनेंट्स जैसे कि आइडियलिज्म के एक्सपोनेंट्स है ये सारे ठीक है मतलब इन्होंने समर्थन किया आइडलिज़म का टाइम टाइम पे और ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनको याद नहीं करना बस आप एक बार देख लो कि आपको ध्यान में आ जाए तो ये इसमें कुछ इंडियंस भी हैं जैसे टैगोर हो गए दयानंद हो गए और हमारे पास इसके अलावा रामकृष्ण परमहंस सब वो भी इसमें आ जाते हैं तो वैसे ये मेन है तो ये एक्सपोनेंट आप देख सकते हैं ऐसे ही हमारे पास ये नेचुरलिज्म के कुछ एक्सपोनेंट्स हैं ठीक है तो इनके नाम भी अगर एक बारी ध्यान में रख लो ताकि आपको जब ऑप्शन में दिखें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आप इसको सेलेक्ट कर पाओ और ये चारों जो है ये हमारे पास पैकेमेटिज़म के चारों जो हैं एक्सपोनेंट्स हैं ठीक है इसी के साथ हमारे सेशन कंप्लीट होता है अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कीप वाचिंग दिस चैनल स्टे प्लास स्टे हैप्पी